गाइस मेरे पास है आज एक कैमरा और ये ना बड़े ही कमाल का कैमरा है। स्पेशली कनेक्टिविटी के मामले में ना इस कैमरे का कोई तोड़ नहीं है अभी तक। अभी तक जितने भी कैमरे आपने देखे होंगे वो वाईफाई कैमरे हो सकते हैं या 4G कैमरे हो सकते हैं, वायर के थ्रू चलने वाले, हॉटस्पॉट से चलने वाले भी कैमरे होते हैं, AP मोड से चलने वाले भी कैमरे होते हैं, बट वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई AP मोड से चलेगा, कोई 4G से चलेगा, कोई वाईफाई से चलेगा, कोई लैन केबल के थ्रू चलेगा। इस तरीके के कैमरे आपने देखे होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये सारे फंक्शन एक ही कैमरे में आ जाए तो देखो ये जो कैमरा है ना, इस कैमरे का जो कनेक्टिविटी के मोड है ना वो आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, क्योंकि इसमें ना ऑलमोस्ट सभी तरीके के कनेक्टिविटी मोड आपको मिल जाते हैं। कैमरा पावर्ड ऑन, एसडी कार्ड रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, AP मोड अनेबल, सिम कार्ड नॉट डिटेक्टेड, ईथरनेट केबल डिस्कनेक्टेड, 4G नेटवर्क कनेक्टेड। अब देखो इसमें ना ये कैमरा वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकता है। आप देख रहे हैं कि इस कैमरे के एंटीने पे इस साइड लिखा हुआ है वाईफाई, अगर आपको दिख रहा होगा, और इस साइड लिख रहा है 4G। तो ये जो कैमरा ना वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है। वाईफाई अगर आपका दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो भैया ये लैन केबल का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस लैन केबल से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ये सब नहीं है, वाईफाई नहीं है, आपके पास सिम है, आप कोई सिम डालना चाहते हो, तो भाई सिम से भी हो जाएगा। यहाँ पर आप सिम डाल सकते हो। ये जो पोर्ट है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ढक्कन खुलेगा और यहाँ पे सिम का ऑप्शन दिया गया है, आप सिम से चला लो। आप चाहते हो भैया मैं सिम भी नहीं लगाना चाहता, मैं क्यों रिचार्ज कराऊं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको AP मोड से चला लो। AP मोड आपको पता है, नहीं तो मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैं काफ़ी बताता रहता हूँ। तो देखो AP मोड क्या होता है, कैमरे का अपना ही एक वाईफाई की रेंज कैमरा देता है जो आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है एज अ ब्लूटूथ, या वो ब्लूटूथ नहीं होता, वो वाईफाई ही होता है। एक समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ कि ब्लूटूथ जैसा सिस्टम जो होता है, दो फोन आपस में कनेक्ट होते हैं, दो कैमरे आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उस तरीके से ये अपना एक्सेस पॉइंट मोड जो है वो इस्टेब्लिश करता है और आप उस पर कनेक्ट करके इस कैमरे को विदाउट इंटरनेट देख सकते हो। तो वो चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है, और तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो इसका जो कनेक्टिविटी मोड है, अब आप समझ ही गए होंगे इतनी देर में तो, कि ये कैमरा हर तरीके के वाईफाई, विदाउट वाईफाई, AP, हर तरीके के मोड को सपोर्ट करता है। तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। अब बात करेंगे इस कैमरे के अदर फीचर्स की और इसकी क्लैरिटी की, इमेज क्वालिटी की, वीडियो क्वालिटी की, ऑडियो क्वालिटी की। तो देखो यहाँ पर ना हम बात करते हैं सबसे पहले बॉक्स की स्पेसिफिकेशन की। तो देखो यहाँ पर जो बॉक्स की स्पेसिफिकेशन है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इजी लिव वाली जो एप्लीकेशन है उस पर सपोर्ट करता है। तो ये कैमरा 4G है और इसका मॉडल नंबर AZR33G देखने को मिलता है। इस कैमरे का जो मेगापिक्सल है वो 3 मेगापिक्सल है, 4G कैमरा यहाँ पर आपको मिल रहा है। और यहाँ पर इस साइड की बात करेंगे तो इस साइड आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, जिसमें 3 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और 4G LTE सपोर्ट के कैमरा मिल रहा है, RTMP सपोर्ट मिल रहा है, लेटेंसी होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। और यह कैमरा साथ ही साथ ऑनवीप भी सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको किसी भी DVR NVR पे चला सकते हैं। वाईफाई सपोर्ट भी है कैमरा, 4G LTE सपोर्ट के साथ वाईफाई सपोर्ट भी है और वायर्ड सपोर्ट भी है, ये सभी चीज़ें मिलती है। एंड्रॉयड iOS दोनों पे ये कैमरा कनेक्ट हो सकता है। और इस कैमरे में ना आपको सबसे बढ़िया बात ये देखने को मिल जाएगी कि ये कैमरा ना वाटरप्रूफ है, यानी कि आप अगर इसको बारिश में लगाएंगे तो ये कैमरा जो है ख़राब नहीं होगा। और साथ ही साथ ये बुलेट कैमरे की जो शेप है उसमें आता है, लॉन्ग व्यू इसका मिल जाता है। और इसमें आपको ना डुअल वे टॉक भी मिल जाएगा, यानी कि इसमें आप बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, डुअल वे टॉक होता है। और दूसरी बात, इसमें जो कलर विजन है ना वो नाइट में और दिन में दोनों ही आप इसको कलर विजन ले सकते हो। इसका जो नाइट विजन कलर भी है और इंफ्रारेड वाला जो नाइट विजन होता है ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी ले सकते हो। और देखिए इस कैमरे को ना माउंट करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, और इसका जो माउंटिंग सिस्टम है ना वो सीलिंग माउंटिंग सिस्टम भी है और वॉल माउंटिंग सिस्टम भी है। तो आप इसको चाहे तो सीलिंग पे लगाइए, चाहे वॉल पे लगाइए, जैसे आपने लगाना है उस तरीके से लगा सकते हैं। ये वॉल पे लग गया तो सीलिंग पे लगाना, ये सीलिंग पे लग गया। और इसके साथ ये जो एक कनेक्टर दिया गया है, ये है DC कनेक्टर और ये है लैंटर। और इसके साथ जो बाकी एक्सेसरीज मिल जाती है उसमें एक आपको ये अडेप्टर मिल जाता है, 12V 1A का अडेप्टर मिल रहा है यहाँ पर। और इसकी जो लेंथ है ना वायर की, वो 3 मीटर की वायर की लेंथ आपको देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी वायर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आप सॉकेट मिल जाएगा 3 मीटर के दायरे के अंदर, आप वहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से 2 एंटीनाज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ बॉडी वाइज यहाँ पर रहा, और जो इसके अंदर पोर्ट्स और बटन जो मिल जाते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ना वाटर सील्ड जो है कैबिनेट आपको यहाँ पर मिल रही है, जिसके ऊपर ये रबरिंग टाइप का मटेरियल लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छे से इसको सील्ड कर रहा है ताकि पानी इसके अंदर ना जाए।
और इसके नीचे ही आपको यहाँ पर स्पीकर की ग्रिल भी देखने को मिल रही है, इस तरीके से आपको यहाँ नजर आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर ना आप इस कैबिनेट के अंदर देखेंगे तो इसमें आपको एक मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट मिल जाएगा जो कि 256 GB तक का सपोर्ट करता है। साथ में सिम लगाने का भी यहाँ पे स्लॉट मिल जाएगा और एक रीसेट का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिससे आप रीसेट करके कैमरे को फिर से कन्फिगर और कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ देखने को मिल रहा है। सीपी प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है और यहाँ पर आपको नाइट विजन के लिए 4 IR LED मिल रही है और 4 ही आपको स्टार लाइट्स मिल रही है। तो ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है। बीच में आपको यहाँ पर कैमरा सेंसर और उसके ऊपर माइक्रोफोन का पोर्ट देखने को मिल रहा है और एक नोटिफिकेशन लाइट भी आपको ऊपर यहाँ पर नजर आ रही है। और इस तरीके से कैमरा है, जो कैमरे का साइज है वो भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कैमरा। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए इसका जो कैमरे का सेंसर है ना वो 3 MP का सीमो सेंसर देखने को मिल रहा है। के बाद में इसका जो कंप्रेशन रेट है ना वो H.265 भी मिल जाता है, साथ में H.264 भी मिल रहा है। और इसका जो फ्रेम रेट की बात करें तो मैक्स 30 FPS ये आपको प्रोवाइड करता है, वहां पर आपको फ्रेम लैग काफी कम देखने को मिले। उसके बाद में 2-way टॉक ये सपोर्ट करता है और जो माइक्रो एसडी कार्ड है वो 256 GB तक का सपोर्ट करता है और जो इसका आईआर रेंज है ना वो आपको 20-30 meters देखने को मिलेगा और जो स्पॉटलाइट वाली जो लाइटें हैं, जो फ्लैश लाइट होती है वो 15 meters तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये IP66 सपोर्ट करता है, बारिश में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये कैमरा जो है ना 3 modes के साथ आता है, आपको इसमें नाइट विजन में स्पॉटलाइट को जो है 3 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें आप इसको इन हाइब्रिड में सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑलवेज ऑन आईआर लाइट या फिर ऑलवेज ऑन कलर जो है लाइट वो उसको आप यूज कर सकते हैं। और जो इसका एप्लीकेशन है वो इजीली वे जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई एप्लीकेशन है सीपी प्लस की तरफ से। तो इस तरीके से कुछ स्पेसिफिकेशन थी जो यहाँ पर मेंशन की गई है। उसके बाद में अब आप यहाँ पर इस कैमरे की क्लैरिटी एक बार देख लीजिए, काफी बढ़िया क्लैरिटी के साथ में ये कैमरा आता है। डे मोड में अगर आप इसको वीडियो क्वालिटी देखेंगे तो काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कलर्स वगैरह काफी ठीक ठाक है, बट थोड़ा सा सैचुरेशन कम है यहाँ पर कलर्स की, लेकिन अगर आप देखेंगे जो फुटेज है वो काफी ज्यादा स्मूथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके अंदर आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो वाइड एंगल है वो देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये कैमरा 360 डिग्री रोटेट तो नहीं करेगा लेकिन वाइड एंगल में पिक्चर को काफ़ी ज़्यादा कवर करता है। तो आपको 360 डिग्री रोटेशन करने की भी जरूरत नहीं है, फिक्स फोकस लेंस है, ये बात ध्यान रखिए कि ये रोटेशन वाला नहीं है, आप इसको रोटेट नहीं कर सकते। फिक्स फोकस में काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और अब देखिए इंडोर की वीडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर इंडोर में काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, काफ़ी सही पिक्चर क्वालिटी भी आपको यहाँ पर मिल रही है। और अगर आप नाइट विजन की बात करें तो इंडोर में नाइट विजन के मामले में कैमरा बहुत ज़्यादा शानदार है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पॉट लाइट है वो 4 LED के साथ मिलती है जो काफ़ी तेज़ फ्लैश जो है प्रोवाइड करती है। और सामने जो भी बंदा होगा भाई बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा कि वो कौन है, उसका फेस जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। साथ में अगर हम इसकी जो नाइट विजन की IR लाइटों की बात करें तो भाई लाइट IR लाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है इसकी, क्योंकि इसके अंदर जो इस तरीके का लाइट का जो सिस्टम दिया गया, आप देख रहे हैं कि इसके IR लाइट के आगे भी जो हाउसिंग होती है जिसके अंदर लाइट फिट है वो यार काफ़ी अलग तरीके की है। वो एक टॉर्च के अंदर जो होता है ना कि फ्लैश को आगे तेजी से फेंक पाए, उस तरीके का कुछ यहाँ पर बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से 20-30 meters तक ये IR जो लाइटें हैं वो अच्छे से कैप्चर कर सकती है। और नाइट विजन के मामले तो यार कैमरा ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है, नाइट विजन के पर्पज़ से चाहिए, आउटडोर के पर्पज़ से चाहिए, कनेक्टिविटी के पर्पज़ से चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शानदार ये कैमरा हो रहा है। और यहाँ पर आपने वीडियो क्वालिटी तो देख ली, काफ़ी ज़्यादा वीडियो क्वालिटी बढ़िया है यहाँ पर, नाइट विजन हो या डे विजन हो कोई भी हो, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर क्वालिटी जो है देखने को मिल रही है। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से वीडियो को समझ में आया, लेकिन अभी वीडियो बाकी है, अभी जाना नहीं कहीं। देखें यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आया कि भाई जो भी कुछ मैंने बताया आपको क्लियर नहीं हुआ, तो मैं कुछ पॉइंट्स लेके चलता हूँ जिसमें मैं प्रोज एंड कॉन बताता हूँ और उस कैमरे का पूरा एक कंक्लूजन देता हूँ कि भाई ये कैमरा आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या कमियाँ हैं और क्या इसके जो है पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो हम लेके चलते हैं वो प्रोज में लेके चलते हैं। प्रोज में हमारे कुछ यहाँ पर 11 पॉइंट्स आ चुके हैं और जो कॉन्स है वो मुझे बहुत कम मिला है, तो आई थिंक मैंने 1 या 2 ही यहाँ पे कॉन रखे। तो देखिए प्रोज में लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले है ना वो है कि इसकी जो कनेक्टिविटी है ना वन ऑफ द बेस्ट है, कनेक्टिविटी के मामले में ये कैमरा अव्वल है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा भाई, आप इस कैमरे को लो और डेफिनेटली कनेक्ट होगा, आपके
पास कुछ ना कुछ मोड तो होगा ही होगा जो इस कैमरे को सपोर्ट करता है। तो ये बहुत सही ऑप्शन है, कनेक्टिविटी के मामले में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सेकंड है वाटरप्रूफ, IP66 रेटिंग इसमें आपको दे। तो भाई आप इसको आउटडोर में लगाओ, इनडोर में लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी लगाओ, बारिश के नीचे लगाओ, छज्जे के नीचे लगाओ, इससे आगे भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होने। वन ऑफ द बेस्ट ये जो ऑप्शन है उस चीज के लिए लेके आता है। इसके बाद में अगला थर्ड पॉइंट है वो हमारा आता है कि इस कैमरे का जो सेंसर है ना वो 3 मेगापिक्सल का 1/2.8 इंच का सीमोस सेंसर देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बेहतर क्वालिटी की वीडियो कैप्चर कर सकता है। आप यहाँ पर डेमो में देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्लैरिटी की वीडियो आपको यहाँ पर। इसके बाद में जो इसका फ्रेम रेट है ना वो भी यार 30 FPS ये फ्रेम रेट निकाल के देता है, जो कि काफी सही यहाँ पर आपको फुटेज है वो स्मूथनेस उसकी मिल जाती है, काफी बढ़िया यहाँ पर आपको ये चीजें दिख रही है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है कि इस कैमरे के अंदर ना आपको 2-way talk देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर इसका जो स्पीकर है वो मिल जाता है और यहाँ पर माइक है वो मिल जाता है, जो आप इसमें बोल भी सकते हैं, कुछ सामने वाले को कुछ बोलना है बोल भी सकते हैं और सुनना चाहे तो सुन भी सकते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन तो मिल जाता है और मोस्टली सभी कैमरों में मिल जाता है, तो ऐसा कुछ अलग क्या है? तो अलग ये है कि भाई इस कैमरे का जो माइक है ना काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है। मैं कुछ यहाँ पर सैंपल भी आपको लगा रहा हूँ, यहाँ पर एक बार सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा कि भाई कैसा इसका माइक। और जो इसका स्पीकर है ना वो भी काफी ठीक है, डिसेंट स्पीकर है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा लाउड है, बहुत ज्यादा स्लो है, ऐसा नहीं है, डिसेंट है, काफी ज्यादा क्लियर साउंड, जो आप बोलोगे वो क्लियर समझ आएगा, ये नहीं कि बहुत तेज है बट क्लियर है। उसके बाद में जो सिक्स पॉइंट है ना वो भाई नाइट विजन को लेके, तो नाइट विजन में ना इस कैमरे का कोई जवाब नहीं है। इस कैमरे के अंदर ना आपको टोटल 8 लाइटें यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें 4 यहाँ पर मिल रही है जो स्पॉट लाइट, जो कि व्हाइट कलर की लाइट थ्रो करता है। 4 लाइट्स यहाँ पर आपको IR में मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा क्लियर इमेज नाइट में प्रोवाइड करता है। ब्लैक एंड व्हाइट के बावजूद भी ना काफी ज्यादा थ्रो वो देता है, ब्लैक एंड व्हाइट में 30 मीटर तक आपको कैप्चर करके देगा बढ़िया तरीके से, और जो स्पॉट लाइट है वो 15 मीटर तक कैप्चर करके देगा बहुत बढ़िया तरीके। इसके बाद में जो 7 पॉइंट है ना भाई वो ये है कि इसका जो ऑडियो अलार्म वाला सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा सही है, लाउडर भी है और सही भी है। दूसरा वो कस्टमाइज भी हो सकता है, आप इसको कस्टमाइज करो, आप खुद की आवाज में उसको रिकॉर्ड करो या फिर ऑनलाइन डाउनलोड कर लो कोई फाइल, उसको सेलेक्ट करो, तो आप कस्टमाइज इसको कर सकते हो, तो काफी सही है वो। और जो 8 पॉइंट है ना वो भाई बड़ा सही है, क्योंकि मोस्टली कैमरों में क्या होता है ना जब आप लाइव फुटेज देखते हो तो काफी देर तक वो रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, उसके बाद में फिर चलता है, और जब प्लेबैक पे जाते हो तब भी वो घूमता रहता है उसके बाद में चलता है, चाहे आपका इंटरनेट का कनेक्शन कितना भी सॉलिड। उसके बाद भी थोड़ी बफरिंग देखने को मिलती है भाई, घूम घूम के चल रहा है, तो वहाँ पे ना बहुत से लोगों को परेशानी होती है और मजा सा नहीं आता यार देखने में, क्या लगता है यार कितनी देर तक, बट ऐसा इसके साथ इंस्टेंट आपको जैसे कनेक्ट होगा इंस्टेंट आपको लाइव फुटेज देगा, आप प्लेबैक का बटन दबाएंगे इंस्टेंट प्लेबैक मिलेगा, लाइव का दबाएंगे इंस्टेंट 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत आपको लाइव तुरंत आपको जो है प्लेबैक बहुत फास्ट है, तो उसमें बड़ा मजा आता है इसको देख, काफी बढ़िया है। अब जो 9th पॉइंट है ना वो है RTMP वाला जो ऑप्शन है जो ये कैमरा सपोर्ट करता है ना, उसका काफी ज्यादा फायदा होता है भाई, रियल टाइम मैसेजिंग प्रोटोकॉल का है ये ऑप्शन, इसमें ना काफी बढ़िया लगता है। ऐसा नहीं कि कैमरे के आगे आप जैसे मैंने मान लो हाथ ऊपर ऐसे किया, कैमरा 1 सेकंड बाद दिखा रहा है कि मैं हाथ ऊपर किया, फिर मैंने नीचे किया, फिर 1 सेकंड बाद दिखा, ऐसा नहीं, इंस्टेंट मैं जैसे ऊपर करूँगा तुरंत दिखाएगा फटाफट आपको, नीचे करूँगा तुरंत दिखाएगा, तो ये चीज काफी बढ़िया है ये इस ऑप्शन के वजह से, RTMP वाला जो ऑप्शन दिया गया उसकी वजह से। अब जो 10th पॉइंट है ना वो भाई ये है कि ये कैमरा ऑनवेव सपोर्ट करता है, ऑनवेव सपोर्ट करने का फायदा ये होता है कि इस कैमरे को आप चाहे तो NVR के साथ DVR के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और वहां पे उसको लाइव TV पे देख सकते हैं, क्योंकि देखिए वाईफाई वाले कैमरे TV पे आप नहीं देख सकते, आप मोबाइल पे लैपटॉप पे या फिर टैब पे देख सकते, लेकिन ऑनवेव सपोर्ट करने का बेनिफिट होता है कि आप उसको ना DVR के साथ कनेक्ट कर दो, NVR के साथ कनेक्ट कर दो, चाहे कोई से ब्रांड का NVR हो, वो NVR DVR जो है ऑनवेव प्रोटोकॉल सपोर्ट करना चाहिए, हालांकि ये चीज बहुत जरूरी, लेकिन आप इसको देख सकते हो लाइव और वहां पर उसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हो, चाहे इसके अंदर रिकॉर्डिंग ना लो वहां पर आप ले सकते हो, तो वो काफी जबरदस्त। और अब जो लास्ट पॉइंट है वो 11th पॉइंट है, वो भाई ये है कि ये ना ऑफलाइन भी रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इस कैमरे को जब आपने मेमोरी कार्ड डाला तो उसके बाद में इसे रिकॉर्डिंग चालू कर दी, एक बार फॉर्मेट करके लगा दो रिकॉर्डिंग चालू कर, तब आप चाहे इसको AP मोड से कनेक्ट करो, वाईफाई से कनेक्ट करो, सिम से कैसे भी कनेक्ट करो, कैमरे को बस ऑन होना है और रिकॉर्डिंग चालू कर, तो काफी सही है यार ऑप्शन, ऑफलाइन में रिकॉर्ड करना काफी बढ़िया इसके अंदर ऑप्शन मिलता है और काफी सही फुटेज देता है। और जब आप रिकॉर्डिंग देखते हैं ना तो वहां पे आपको काफी बढ़िया ऑप्शन जो है ये निकाल के देता है, यहाँ पर आप जैसे प्लेबैक पे जाएंगे ना तो यहाँ पर ये आपको इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से ना ये भाई फुटेज दिखाता है, जिसमें आपको ऊपर ग्रीन जो लाइन दिख रही है वो है ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन और जो ऑरेंज दिख रही है वो है नॉर्मल
रेगुलर वाली, और जो लाइट आपको लाइट कलर में दिख रहा है यहाँ पर, ये इसमें डार्क ऑरेंज नहीं लाइट ऑरेंज दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके से, अगर मैं दिखाऊं ये लाइट ऑरेंज आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई डिटेक्शन नहीं हो रही, कोई सामने पर्सन नहीं आ रहा, नॉर्मल चल रहा है। तो इस तरीके से तीन तरीके के कलर में ये ऑप्शन आपको रिकॉर्डिंग में दिखाता, तो काफी बेहतरीन जो है ये ऑप्शन मुझे लगता है रिकॉर्डिंग के मामले। सो गाइस, अब बात करते हैं इस कैमरे की भाई नेगेटिव पॉइंट्स की, कॉन्स की। उसमें तीन पॉइंट्स मेरे सामने यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें से पहला है कि भाई इस कैमरे के अंदर ना आपको 360 डिग्री रोटेशन नहीं मिलती। इस कैमरे का जो कंसोल है वो भाई बुलेट कैमरे के तरीके से, यानी फिक्स फोकस लेंस है इसके अंदर। आप इसको 360 डिग्री रोटेशन वाला जो है ना समझे, ये बिल्कुल भी रोटेट नहीं करता। जहाँ आपने एक बार लगा दिया वहां लगा दिया, तो 360 डिग्री ना होना इस कैमरे का कॉन्स तो है, क्योंकि देखिए हर चीज़ हर कैमरे में नहीं हो सकती। इस कैमरे में जो जितनी फैसिलिटी दे रहा है भाई, वो 360 डिग्री रोटेशन वाले कैमरों में भी नहीं होती, बट इसमें वो चीज़ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स को गिन पाएंगे। इसके बाद में इसके अंदर जो भाई एक ऑप्शन है, कलर स्लाइटली वॉश्ड ऑफ है इसके। जब आप इसको फुटेज देखेंगे वीडियो, तो थोड़ा सा आपको कलर्स की वहाँ पे कमी मिलेगी, थोड़ा वॉश्ड ऑफ वहाँ पे पिक्चर प्रोफाइल देखने को मिलती है। तो भाई ये मेरी तरफ से तो ये थोड़ा सा मुझे तो लगता है कि भाई कमी है, आपको हो सकता है वो चीज़ पसंद आए, तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। उसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है ना भाई, वो ये है कि इस कैमरे के अंदर मुझे ना क्लाउड स्टोरेज देख ली एप्लीकेशन के अंदर, मैंने काफ़ी ढूंढा, मुझे कहीं क्लाउड स्टोरेज नहीं मिली। सीपी प्लस के जो अदर कैमरे आते हैं, जो इजी कैम प्लस ऐप पे कनेक्ट होते हैं भाई, उनके अंदर क्लाउड स्टोरेज अब आ चुका है, लेकिन इस कैमरे के अंदर अभी तक वो नहीं आया। इसकी जो एप्लीकेशन है वो इजी लिव है, जो सीपी प्लस की ही है, लेकिन इजी लिव में अभी तक नहीं देख। तो गाइस यहाँ पर कुछ थी ये कमियाँ, और बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर प्रोस, यानी कि इसके बेनिफिट्स, इस कैमरे के जो प्लस पॉइंट है वो। तो गाइस आपको आई थिंक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरीके के और भी कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और आगे भी मिल जाएंगे, तो आप जरूर हमें सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और इस तरीके के और भी कैमरों के वीडियो या और भी गैजेट के वीडियो हम लेके आते रहेंगे आपके लिए। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।